हाय गाइस, दिस इज नेहा शर्मा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12th चैप्टर के रिगार्डिंग। 12th चैप्टर है आपका एथिक्स एंड अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र में नैतिकता। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, और आपका चैप्टर का नेम है कि एथिक्स इन अकाउंटेंसी। एथिक्स इन अकाउंटेंसी का मतलब क्या है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट्स आपने सही तरीके से प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं वो आपको कौन बताता है? एथिक्स बताता है, राइट? तो सबसे पहले आपको एथिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए गाइस। एथिक्स मीन्स नैतिकता। इसका मतलब क्या होता है? मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स मीन्स आचार विचार। मॉरल प्रिंसिपल या आचार विचार का मतलब ये होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है या क्या गलत है, राइट? तो एथिक्स क्या बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर से रिगार्डिंग। अब देखिए, एथिक्स इन अकाउंटेंसी का मतलब क्या है एक्चुअल में। पहले मैं इंग्लिश में समझा देती हूँ, देन उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगी ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इजिली समझ पाएंगे। एथिक्स इन अकाउंटेंसी इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन एथिक्स। जो एथिक्स है वो एथिक्स इन अकाउंटेंसी जो है वो किसका पार्ट है? बिजनेस एथिक्स का, राइट? बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। और किसका पार्ट है? ह्यूमन एथिक्स का। वो भी मैं बताऊंगी कि बिजनेस एथिक्स का क्यों पार्ट है, ह्यूमन एथिक्स का क्यों पार्ट है। जो किसमें हेल्प करता है? डेट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड जजमेंट विच आर अप्लाइंग इन अकाउंटेंसी। गाइस ध्यान से देखिए, एथिक्स इन अकाउंटेंसी जो है वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, वो सही एक्टिविटी होनी चाहिए। मींस अकाउंट्स जो है बिजनेस के अंदर गलत तरीके से प्रिपेयर नहीं होने चाहिए। जो हमारी एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, राइट, जैसे मान लिया जितना हमारे बिजनेस में कैश आया है, जितना बिजनेस में हमने कैश की पेमेंट की है, डेटर्स कितने के हैं एक्चुअल में, क्रेडिटर्स कितने के हैं, राइट, हमारी बिजनेस के एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, राइट, वो जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी फिगर्स बिजनेस की, एक्चुअल फिगर्स को हम दिखाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एथिक्स। एंड ह्यूमन एथिक्स। ह्यूमन एथिक्स का मतलब क्या होता है? मानव का आचार विचार। मींस अकाउंट्स को कौन प्रिपेयर करता है? सीए, राइट? सीए के थ्रू आप अकाउंट्स को बनवाते हो, जो आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है, राइट? सीए है, सीएस है, ये आपकी क्या होती है? बिजनेस की प्रोफेशनल अथॉरिटीज होती है या कंपनी की प्रोफेशनल अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है? तो इन अकाउंट्स को कौन प्रिपेयर करता है सही तरीके से? ह्यूमन प्रिपेयर करता है। तो वो जो अकाउंटेंट है या वो जो प्रोफेशनल पर्सन है वो बिना किसी पक्षपात के अकाउंट्स को बनाए, उसको हम कहते हैं ह्यूमन एथिक्स, राइट? जो कि हमारे किस में हेल्प करता है कि जिस तरीके से हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो अकाउंट्स जो है वो सही है या गलत है, ठीक है? उसमें हमने कोई पक्षपात तो नहीं किया है, ये कौन बताता है? एथिक्स इन अकाउंटेंसी। अब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। लेखा शास्त्र में नैतिकता व्यवसायिक नैतिकता व मानव नैतिकता का वह भाग है। जो लेखा शास्त्र में नैतिकता है वो किसका भाग है? व्यवसायिक नैतिकता। व्यवसायिक नैतिकता का मतलब क्या होता है? जो भी आप व्यवसाय के अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी आप लेखा जोखा करते हैं, वो सही तरीके से होना चाहिए, राइट? एक्चुअल फिगर्स होनी चाहिए। जितनी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जितनी अमाउंट की हुई हैं, वो एग्जैक्ट अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हमें शो करनी चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना नहीं चाहिए। वो क्या बताता है? व्यवसायिक नैतिकता। वह मानवता, मानव नैतिकता। मानव नैतिकता का मतलब क्या है? व्यवसाय के अंदर जो भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं, जो भी लेन देन रिकॉर्ड होते हैं, उनको कौन करता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट करता है, ठीक है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट जैसे आपके सीए हैं, ठीक है, सीएस हैं, जैसे ऑडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो कौन करता है? वो भी पर्सन ही होता है। पर्सन को किस नाम से जानते हैं? मानव के नाम से जानते हैं। वो जो पर्सन है उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। मतलब
ऐसा नहीं है कि कंपनी ने उसको पैसे खिला दिए या बिजनेस ने उसको रिश्वत दे दिया और उसने हमारे बिजनेस की गलत रिपोर्ट तैयार कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो लेखा शास्त्र में नैतिकता जो है वो किसका पार्ट है, व्यवसायिक नैतिकता और मानव नैतिकता का पार्ट है, जो कि किसमें हेल्प करता है, जो लेखा शास्त्र के आचार विचार व उसके सही या गलत होने की पुष्टि करता है। तो लेखा शास्त्र में नैतिकता जो है वो किसकी हेल्प लेता है, व्यवसायिक नैतिकता की और मानव नैतिकता की हेल्प लेता है, जिससे क्या हेल्प मिलती है कि भी लेखा शास्त्र में जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, वो सही तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, उसकी सही या गलत होने की ये क्या करता है, पूरा वेरिफिकेशन करता है, पुष्टि करता है। राइट गाइस, तो ये आपका चैप्टर का नेम है, जो कि इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। गाइस, जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नेम होता है, सबसे पहले आपको चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर उस चैप्टर का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया तो आगे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप फोकस यही करिए, जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें उसका जो नेम होता है उसको डीपली समझे कि उसका मीनिंग क्या है। अगर चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आ जाता है तो चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी हमारी डीपली नॉलेज है वो हमें समझ में आ जाती है। अब गाइस देखिए, बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स इन अकाउंटेंसी, राइट, लेखा शास्त्र में नैतिकता के क्या क्या फायदे हैं, इस पॉइंट को हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया हो तो उससे एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जाता है, आप बिना पढ़े आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि जो एथिक्स है, एथिक्स एंड अकाउंटेंसी है, वो क्या बताता है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। राइट, अकाउंट्स के अंदर कोई हेरफेर तो नहीं है, राइट, कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावटी लेन देन, हेरफेर। दिखावटी लेन देन का मतलब ये होता है कि जो मान लिया बिजनेस के अंदर हमारी एसेट्स है 5 लाख रुपए की, लेकिन हमने अकाउंट्स के अंदर दिखा दिया उनको 6 लाख रुपए का, तो ये दिखावटी लेन देन हो गया। इसको हम इंग्लिश में विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। राइट, तो एथिक्स एंड अकाउंटेंसी जो है वो दिखावटी लेन देनों को पहचानता है कि भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी व्यवसायिक संस्था ने जो है एक्चुअल फिगर्स को लिया है या नहीं लिया है, वो एथिक्स जो है आपको सारा बता देगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंट्स जो है वो आपके कौन से सिस्टम के ऊपर प्रिपेयर होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे प्रिपेयर होते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था गाइस डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में, कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें डेबिट साइड भी हो और क्रेडिट साइड भी हो। राइट, तो जो भी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। राइट, अब देखिए बेनिफिट्स हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। पता चल जाता है कि भाई अकाउंट्स जो है वो सही तरीके से प्रिपेयर हुए हैं या उसमें कोई गड़बड़ी हुई है। तो एथिक्स इन अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंट्स की करेक्शन को करता है, एक्यूरेसी को बताता है कि भी अकाउंट्स हमारे सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं। राइट, सेकंड पॉइंट है हमारा बेनिफिट का प्रोवाइड एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर एथिक्स का मतलब क्या है, हर अकाउंट को सही तरीके से प्रिपेयर करना, तो अगर सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो वो एक्चुअल पोजीशन बताएंगे। भाई हमने जितनी हमारी सेल हुई है उतने की ही हमने सेल दिखाई है अकाउंट्स के अंदर। राइट, सेल कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने बनाया बिजनेस का तो उसके अंदर सेल मान लिया हमारी 5 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की हुई। ठीक है, अगर हमारी सेल 3 लाख रुपए की हुई है तो 3 लाख की ही अमाउंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई। अगर परचेज किया है बिजनेस ने, राइट, परचेज किस बेसिस पे किया होगा, या तो कैश बेसिस पे किया होगा या क्रेडिट बेसिस पे किया होगा। राइट, तो कैश परचेज कितने का किया है उतनी एक्चुअल फिगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे। ठीक है,
जितना क्रेडिट का किया है, जितना उधार पे हमने माल खरीदा है, उतनी ही अमाउंट का आप एक्चुअल में अकाउंट्स के अंदर दिखा देंगे। सेल भी आपके दो बेसिस पे ही होती है, या तो आप कैश बेसिस पे सेल्स करोगे या क्रेडिट बेस पे करोगे, या तो आप नकद में बेचोगे माल को या उधार में आप माल को बेचोगे। जितना माल आपने नकद में बेचा है उतनी ही अमाउंट को आप अकाउंट्स के अंदर शो करिए, और जितना आपने उधार पे माल बेचा है उतनी ही अमाउंट को आप एग्जैक्टली दिखाइए, राइट? तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की, या तो वो कैश बेसिस की होती है, क्रेडिट बेसिस की होती है, आपके डेटर्स कितने हैं बिजनेस के, क्रेडिटर्स कितने हैं बिजनेस के, जितनी आपकी अमाउंट एक्चुअल में हुई है उतनी ही अमाउंट को अगर आप अकाउंट्स के अंदर शो करेंगे तो आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजिशन ही दिखाई देगी। वो कौन बताएगा? एथिक्स। एथिक्स जो है वो ये कहता है कि भाई अकाउंट सही तरीके से प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है, इसमें कोई भी जो है गलती नहीं, अगर गलती भी है तो वो पहचान ली जाती है, जिससे हमारी बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सामने आ जाती है। तो इससे क्या होगा, इसी के माध्यम से जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस की, जो है काफी सारी पार्टी होती है, बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे लोग होते हैं जो बिजनेस से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पार्टी भी होती है और इनडायरेक्ट पार्टी भी होती है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं या ऐसे कौन कौन सी पार्टीज हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, डायरेक्टली कनेक्शन में होती हैं, ठीक है? जैसे शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो तो कंपनी का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा मिलेगा एथिक्स एंड अकाउंटेंसी से? शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के रियल मालिक होते हैं। और डिवेंचर्स कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की आवश्यकता होती है, लंबे समय के लिए लोन की आवश्यकता होती है, तो वो किसकी सहायता से लोन लेती है? डिवेंचर्स की सहायता से लोन लेती है। मान लिया किसी कंपनी को 10 से 15 सालों के लिए लोन की आवश्यकता हुई, लोन की जरूरत हुई, तो वो किसके थ्रू पैसा लेगी? डिवेंचर्स के थ्रू पैसा ले लेगी उधार पे। तो डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ऐसे बंदे होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर पूंजी को निवेश करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। जो बंदा कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वही तो ओनर माना जाएगा, राइट? तो शेयर होल्डर और जो डिवेंचर्स, शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, और इनको क्या मिलता है? कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभांश, लाभ का छोटा सा हिस्सा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जितने कंपनी को प्रॉफिट होंगे उसी के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है? डिविडेंड, वो उस शेयर होल्डर को मिल जाएगा। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि जो बंदा लोन देगा कंपनी को उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस को उधार पे माल बेचते हैं, या जिन पर्सन से हमारा बिजनेस उधार पे माल खरीदता है वो हमारे बिजनेस के क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर बन जाते हैं। और डेटर कौन होता है? डेटर कौन होता है? कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस से कैसे लिंक्ड होती है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्स लेती है, ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेती है? टैक्स लेती है। टैक्स किसके बेसिस पे होता है? जितना कंपनी या जितना बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे ही टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब जितनी इनकम होती है इनकम के बेसिस पे ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो पार्टीज हैं जो मैंने आपको बताई है, इनका एक्सप्लेनेशन किए हैं, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। अब इनको क्या फायदा है? मान लिया अगर कंपनी के अकाउंट्स या बिजनेस के अकाउंट्स अच्छे तरीके से बने हुए होंगे, सही तरीके से सही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बने हुए होंगे, तो जो शेयर होल्डर है, मतलब जो बंदा हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसको जो है सही पोजीशन मिलेगी, उसको हमारे बिजनेस के बारे में सही जानकारी मिलेगी। अगर हमारे अकाउंट सही तरीके से प्रिपेयर हैं तो उन्हीं अकाउंट्स को देख के ही तो वो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, राइट? तो जो भी हमारी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनको देखेगा,
मान लिया अगर मेरे को किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उस कंपनी के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल जानूंगी पहले। जब तक मुझे उस कंपनी के बारे में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी नहीं होगी, मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखूंगी, उसके फाइनल अकाउंट्स को देखूंगी, राइट। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट। तो उन फाइनल अकाउंट्स को देख के, अगर वो फाइनल अकाउंट सही तरीके से बने हुए हैं तो उनको देख के मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब मेरा डिसीजन सही है। अगर किसी कंपनी ने या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनल अकाउंट ही गलत तरीके से बनाए हैं, सही तरीके को फॉलो ही नहीं किया है, उस गलत अकाउंट को देख के मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा डिसीजन क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट करने का गलत हो जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट ये है कि इथिक्स एंड अकाउंटेंसी का अकाउंट्स जो है सही तरीके से प्रिपेयर होंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी के अंदर सही होगा। अब हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, ठीक है। डिवेंचर्स के थ्रू लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, राइट। लॉन्ग टर्म लोन कंपनी को मिलता है, अगर किसी कंपनी को लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है तो वो डिवेंचर्स के थ्रू पैसा उधार ले लेती है और उसके बदले इंटरेस्ट चुकाती है, ब्याज चुकाती है। अब देखिए, मान लिया कोई भी डिवेंचर होल्डर है, वो भी कोई पर्सन होगा, ठीक है, वो 10 से 15 सालों के लिए लोन दे रहा है कंपनी को, वो किस बेसिस पे लोन देगा? वो पहले अपनी सिक्योरिटी चेक करेगा कि कंपनी इस पोजीशन में है या नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छी है या नहीं है, कि आने वाले 10 सालों के बाद जब लोन की मैच्योरिटी होगी तो उस लोन की जो पेमेंट है वो कंपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उस लोन को चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करेगा? अकाउंट्स को देख के, फाइनल अकाउंट्स को देख के, ठीक है। क्रेडिटर्स, कोई भी बंदा हमारे बिजनेस को उधार कब देता है? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के। अगर हमारे अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर हैं, सही तरीके से हमने बनाए हुए हैं, तो जो क्रेडिटर है, जो बंदा हमें उधार दे रहा है, वो हिचकिचाएगा नहीं, ठीक है। कस्टमर्स, अब देखिए, आपने काफी सारे ब्रांडेड शोरूम्स देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं जीन्स की, ठीक है, जीन्स सबको पसंद होती है पहनना, लिवाइस ब्रांड की हम बात करते हैं, ठीक है। लिवाइस ब्रांड की जीन्स पहनना मैं क्यों पसंद करूंगी? क्योंकि उस ब्रांड की जो जीन्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है, उसका कलर फेड नहीं होता है और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबल होती है। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रांड से चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो लिवाइस की जीन्स को पहनने से मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है, मुझे सेटिस्फाई हूं उस प्रोडक्ट को यूज करके, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो इसीलिए जो कस्टमर होंगे, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे, उसी प्रोडक्ट को जो है खरीदना पसंद करेंगे जिसकी ब्रांडेड इमेज मार्केट के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। और ब्रांड इमेज कैसे पता चलती है? उसकी एक्चुअल पोजीशन से, किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे पता चलती है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट को कैसे फायदा मिलेगा इथिक्स एंड अकाउंटेंसी का? जो भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, वो उसकी इनकम के प्रॉफिट के बेस पे लेती है। अगर हमने अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, सही तरीके को फॉलो करके, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके प्रिपेयर किए हुए हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी एक्यूरेट होगा और रियल प्रॉफिट पे ही गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेगी। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट को कम दिखाया हुआ है तो इससे गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इथिक्स एंड अकाउंटेंसी इसलिए जरूरी है कि अकाउंट्स जो है वो सही तरीके से प्रिपेयर होंगे तो इन सभी पार्टीज को जो है वो फायदा मिलेगा, जिससे व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति जान पाएंगे ये पार्टीज, राइट गाइस। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सही निर्णय लेने में सहायक। अगर हमारे अकाउंट्स सही तरीके से प्रिपेयर हैं तो नो डाउट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन लेने में
इफेक्टिव होगा, सही डिसीजन ले पाएगा, क्योंकि अकाउंट्स के थ्रू ही तो हम डिसीजन लेंगे कि हमारे बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, राइट, करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है. उन अकाउंट्स प्रिपेयर जो हम करते हैं, अकाउंट्स के बेसिस पे ही तो डिसीजन लिए जाते हैं. इसलिए एथिक्स एंड अकाउंटेंसी मतलब अकाउंट्स को अगर सही तरीके से हमने बनाया होगा तो वो हमें किस में हेल्प करेगा, बिजनेस के सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. ठीक है, बिजनेस के अंदर कोई भी वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, कोई भी ऐसी जो है इमरजेंसी आ जाती है जिसमें अचानक डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो उसमें अगर हमारे अकाउंट्स हमारे करेक्ट फॉर्म में होंगे तो डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बैलेंस शीट. ये पॉइंट मैंने इन दोनों में भी क्लियर कर दिया है, मैं फिर से बता देती हूँ. अकाउंट्स में जब एसेट सही मूल्य पर लिखी जाती है तो उसकी चोरी व अन्य प्रकार का दुरुपयोग नहीं हो पाता. ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बैलेंस शीट का मतलब ये है कि बैलेंस शीट के अंदर आपके टू साइड्स होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स. ठीक है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट. एसेट्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, जैसा कि हमने 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. और आपकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी आपकी टू टाइप्स होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को आप फिक्स्ड लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आप करंट लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं. अगर आपने बैलेंस शीट सही तरीके से बनाई है, मींस जितनी बिजनेस में आपकी एसेट्स हैं, एक्चुअल फिगर्स को आपने लिखा है, और जितनी आपकी लायबिलिटीज हैं उतनी ही एग्जैक्ट अमाउंट को आपने लिखा है, उसको लिख के अगर आपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो कौन सी पोजिशन शो करेगी, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेगी, जो कि आपकी बिजनेस की जो असली स्थिति है. ठीक है, जो आपकी रियल पिक्चर है आपकी बिजनेस की, वो आपकी शो करेगी, जिससे क्या होगा कि बिजनेस के डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, जितने की आपकी एसेट्स हैं उतनी ही वैल्यू पे आप उसको बैलेंस शीट के अंदर लिखिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी एसेट्स जो है 4 लाख की है और अगर आप उसको 5 लाख लिख रहे हो, बढ़ा के लिख रहे हो, झूठी पोजीशन बनाने के चक्कर में कि मार्केट में हमारी सही रेपुटेशन होगी अगर हम बड़ा चढ़ाकर वैल्यू को लिखेंगे, तो ये क्या होगा, चोरी ही होगा. और आपने क्या किया है, मिसयूज किया है अकाउंट्स का. ठीक है, तो ये मिसयूज नहीं करना है, अकाउंट्स को सही तरीके से, बैलेंस शीट को सही तरीके से प्रिपेयर करना है. अब बेनिफिट्स का लास्ट पॉइंट है गाइस, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट. ये भी मैंने आपको पहले इस पॉइंट का जिक्र कर दिया था ह्यूमन एथिक्स के अंदर. ठीक है, जब मैंने आपको एथिक्स एंड अकाउंटेंसी का मतलब बताया था, लेखा शास्त्र में नैतिकता का मतलब बताया था, उस टाइम मैंने आपको ह्यूमन एथिक्स के बारे में जिक्र किया था. ह्यूमन एथिक्स या मानव नैतिकता का मतलब क्या होता है कि उसको कौन, अकाउंट्स को कौन बनाता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाता है. प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पेशेवर लेखाकार. ठीक है, जैसे CA है आपका. ठीक है, ऑडिट कौन करता है, जैसे CA कर लिया, CS कर लिया. आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आफ्टर 12th जो है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे CA CS, ये आपके क्या होते हैं, CMA होता है. ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं. ठीक है, जो बंदा इन प्रोफेशनल कोर्सेज को करता है वो प्रोफेशनल पर्सन बन जाता है. ठीक है, अगर आपने CA के थ्रू अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कराया है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोलेंगे. तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब क्या है, जिस बंदे को अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज है, इस फील्ड की डीपली नॉलेज है, उसी के थ्रू हम अकाउंट्स बनाते हैं जिससे हमारे अकाउंट्स जो हैं वो सही बनते हैं.